नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए, 335 लोगों की हुई मौत, 34,226 हुए रिकवर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भी शुरू हुआ निकासी अभियान। यूक्रेन रवाना हुई एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट। यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। भारत ने यूएन में कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाका बूथ इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री में हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल में बंद 150 शाखाओं को मार्च तक सक्रिय करने का दिया निर्देश। बंगाल में कोरोना और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण बंद थी ये शाखाएं। पिछले हफ्ते मोहन भागवत बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या और रेप के मामले में 20 साल की सजा हुई। फिलहाल अब वो पंजाब चुनाव के चलते डेरा प्रमुख को 21 दिन की परलों पर रिहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरमीत की जान को खालिस्तान समर्थकों से खतरा है, इसके कारण उसे जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की आंखों की रोशनी चली गई, इनमें से 3 को डायलिसिस किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। उसके पास से हथियार, गोला बारूद भी मिले। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकवादी पकड़ा गया। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिकल टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने का आदेश दिया गया। भारतीय रेलवे की केटरिंग और टिकटिंग इकाई ने अपने यूजर्स के लिए एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इसे NPCI और BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस कार्ड से यात्रियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बोवैक्स की बायोलॉजिकल ई वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी। ये कोरोना के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने माइनिंग सरदार के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 313 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 10 मार्च 2022 है। दो बहनों में से एक की फीस माफी योजना पर लगी रोक। आयोग का कहना है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाली दो बहनों में से एक की फीस माफ करने वाली योजना पर रोक लगाई जाए, इसे लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि इस योजना का असर वोटिंग पर पड़ सकता है। देश भर के 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। देश की सर्वोच्च न्यायालय 23 फरवरी को ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट, CBSE और कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। शक्तिमान के कैरेक्टर पर अब फिल्म बनने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में फिल्म का टीजर सामने आया। इस टीजर में मुंबई पर शैतान का साया पड़ते दिखाया गया। जॉन अब्राहम की नई फिल्म तहरीन 26 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। ये एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लिए पहली बार प्रोड्यूसर दिनेश विजन और जॉन अब्राहम ने हाथ मिलाया है। फिल्म को अरुण गोपाल डायरेक्ट करेंगे। निशा रावल के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी लॉकअप के दूसरे प्रतियोगी होंगे। मुनव्वर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम है,
और पिछले साल इंदौर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। वो लगभग एक महीने तक जेल में रहे थे। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का नया गाना मेरी जान रिलीज हो गया है। गाने ने रिलीज होते ही धमाल मचवा दिया। आपको बता दें कि इस सॉन्ग में आलिया के साथ शांतनु महेश्वरी है। इस फिल्म में शांतनु महेश्वरी बॉलीवुड से डेब्यू कर रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से फिर बदलेगा मौसम, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक हल्की फुल्की ठंड देखने को मिल सकती है। वहीं दो दिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा में चलेगी तेज हवाएं। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के ट्वीट पर बीसीसीआई हुआ सख्त। जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई। श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए चयन न होने पर साहा ने 19 फरवरी को ट्वीट कर कहा था कि एक पत्रकार ने कैसे उनको इंटरव्यू न देने पर धमकी भरा मैसेज दिया। उन्हें देश की सेवा करने पर ये सम्मान मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ 29 मार्च से शुरू होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कई सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम करने का फैसला किया। चेन्नई नगर निकाय के चुनाव में स्टालिन की पार्टी डीएमके और उनके सहयोगी दलों को 75 में से 63 सीटों पर जीत दर्ज की। एआईडीएमके को 11 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कोयंबटूर में 33 सीटों में से डीएमके ने 31 पर जीत दर्ज की। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटकर 56,727 पर पहुंचा। इस वजह से निवेशकों को पहले मिनट में 5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए लगातार ऐप में नए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। व्हाट्सएप पर जल्द ही कई नए फीचर आने वाले हैं। इनमें से एक फीचर को iOS बीटा वर्जन पर जारी किया गया है। यूजर्स को नया वॉइस कॉलिंग इंटरफेस मिल रहा है। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद रहा चिड़ियाघर 1 मार्च से पर्यटकों के लिए खुल रहा है, लेकिन अभी सीमित संख्या में पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। पर्यटकों को टिकट ऑनलाइन ही मिलेगा। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ईरान में एक F-5 फाइटर जेट स्कूल परिसर में जाकर क्रैश हुआ। यह हादसा उत्तरी ईरान के तबरीज शहर में हुआ। इस हादसे में विमान में सवार 2 पायलट और 1 नागरिक की मौत हो गई है। रात की बात यह कि कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद था। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।